कन्याकुमारी मंदिर का रहस्य जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का पूर्वी द्वार हमेशा बंद रहता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप सभी ने इंडिया के कई हिस्सों की यात्रा की होगी, जाने कितने मंदिरों के दर्शन किए होंगे। कुछ लोग कन्याकुमारी मंदिर भी गए होंगे, मगर जो लोग वहाँ नहीं गए हैं उन्हें बता दें कि कन्याकुमारी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ के पवित्र जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कन्याकुमारी मंदिर के नाम पे पूरे शहर का नाम कन्याकुमारी पड़ गया। मंदिर के और भी रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप सभी देख रहे हैं कि आजकल मौसम कितना गर्म है, ऐसे में सभी की इच्छा होगी कि किसी सुकून भरी ठंडी जगह पे घूमने जाएं अपनी फैमिली के साथ। आप भी कन्याकुमारी जाकर सागर की उठती लहरों की ठंडक और मधुर ध्वनि के साथ ही सूरज और चांद को एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं। कन्याकुमारी धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद पवित्र और शांत जगह है। इस जगह पे लोग अपने जीवन में सुकून और शांति पाने के लिए आते रहते हैं। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ आकर भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी राहत पा सकते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट चट्टानों पे बैठकर डूबते सूरज को देखना पसंद करते हैं। ये दृश्य कैमरों में उतारने का अपना अलग ही मजा है। कन्याकुमारी मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ आप प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद एक साथ उठा सकते हैं। चट्टानों से खेलती समुद्र की लहरें हों या डूबते सूरज की प्राकृतिक खूबसूरती, सभी कुछ एक ही जगह पे देखने का इतना सुनहरा अवसर भला कौन खोना चाहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कन्याकुमारी मंदिर के इतिहास की तरफ। दरअसल मंदिर की देवी कन्याकुमारी के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि बाणासुर नाम का एक राक्षस था जिसने शिव जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। शिव जी ने उसे वरदान देते हुए कहा कि तुम सिर्फ कुमारी कन्या के हाथों ही मारे जाओगे। इस वरदान को पाते ही राक्षस खुद को अमर समझने लगा और तीनों लोगों पे अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को यज्ञ करने के लिए कहा। देवताओं द्वारा किए गए यज्ञ की पवित्र अग्नि से आदिशक्ति माँ दुर्गा एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद कन्या रूपी देवी ने अपने पति के रूप में शंकर जी को पाने के लिए समुद्र के दक्षिणी किनारे पे तप करना शुरू कर दिया। उनकी की गई घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन देकर उनके साथ विवाह करने के लिए उन्हें वचन दिया। जब सभी देवताओं ने देखा कि देवी से विवाह करने के लिए शंकर जी तैयार हो गए हैं तो सभी चिंतित और भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि देवी का विवाह हो गया तो बाणासुर राक्षस का अंत कैसे होगा, क्योंकि उसे तो कुवारी कन्या ही मार सकती है। इस विवाह को रोकने के लिए देवताओं ने देवर्षि नारद की मदद ली। देवर्षि नारद ने शंकर जी को विवाह मंडप तक जाने ही नहीं दिया। उन्होंने शंकर जी को शुंचिद्रम नाम की जगह पे इतनी देर तक रोके रखा कि विवाह का शुभ मुहूर्त टल गया। विवाह का मुहूर्त टलने के बाद शंकर जी शुचिद्रम में ही स्थानु रूप में यानी वही स्थायी रूप में विराजमान हो गए। विवाह के लिए तैयार किए गए अक्षत तिल रोली सभी कुछ समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। कहते हैं कि वो सारी चीजें आज भी समुद्र के किनारे रंगीन रेत के रूप में देखने को मिलती हैं। विवाह मुहूर्त टलने के बाद देवी फिर से तपस्या में लीन हो गई। बाणासुर देवी के अनुपम सौंदर्य के बारे में सुनकर देवी के पास जाकर उनसे विवाह करने की जिद करने लगा। देवी के मना करने पर भी वो नहीं माना और उसने देवी के साथ युद्ध शुरू कर दिया। अंत में बाणासुर देवी कुवारी कन्या के हाथों मारा गया। देवी के कुवारे रह जाने के कारण और बाणासुर का वध करने की वजह से इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ गया। जहां देवी का विवाह होना था आज के समय में उसी जगह को कन्याकुमारी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी मंदिर में कई द्वार पार करने के बाद कुमारी देवी के दर्शन मिलते हैं। देवी की प्रतिमा बेहद प्रभावशाली और आकर्षक है। किसी विशेष उत्सव के अवसर पे देवी का श्रृंगार हीरे जैसे बहुमूल्य रत्नों से किया जाता है। कन्याकुमारी मंदिर के आसपास में कई देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए। सागर के दाएं तरफ एक मंदिर है जिसे कन्याकुमारी अम्मन मंदिर कहा जाता है, जो माँ पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर की विशाल प्रतिमा को कन्याकुमारी का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से आप दो सागर को मिलते देख सकते हैं। यहाँ से देखने पे आपको सागर के दो अलग रंग दिखाई देंगे। इस मंदिर का पूर्वी द्वार
हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि मंदिर में स्थित देवी के आभूषणों की चमक को लाइट हाउस समझकर समुद्री जहाज को किनारे करने के चक्कर में कई बार जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस मंदिर की उत्तर की दिशा की तरफ बीच में ही भद्रकाली मंदिर है। माना जाता है कि ये माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ देवी सती का पुष्ट भाग्य रहा। समुद्र के किनारे जहाँ स्नान घाट है, वहाँ घाट के ऊपर दाहिनी तरफ गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ दर्शन करने के बाद ही लोग कन्याकुमारी में दर्शन करने जाते हैं। इसी मंदिर के अंदर गणेश जी का एक दूसरा मंदिर भी है, जिसे इंद्रकांत विनायक मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि इस गणेश प्रतिमा की स्थापना स्वयं देवराज इंद्र ने की थी। कन्याकुमारी मंदिर के पास स्नान घाट के बाई ओर स्थित आखिरी चट्टान को पाटशिला कहते हैं। इस शिला तक विवेकानंद जी तैर कर गए थे और शिला पे बैठकर 3 दिनों तक बिना अन्न जल के उन्होंने आत्मचिंतन किया था। बाद में उन्हें नाव से वापस लाया गया था। विवेकानंद जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 में इस पवित्र शिला पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनवाया था, जहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ आकर मन को बेहद शांति मिलती है। कन्याकुमारी मंदिर के पास ही गांधी स्मारक मंडप बनाया गया है, जहाँ विसर्जन से पहले महात्मा गांधी की अस्थियों वाला कलश जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। भारतीय मंदिरों के रूप में स्मारक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि गांधी जी के जन्मदिन पे सूर्य की पहली किरण अस्थि के कलश के ठीक ऊपर पड़ी। तमिल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुकुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर का स्टैचू कन्याकुमारी मंदिर से साफ साफ दिखाई देता है। इसकी पूरी ऊंचाई 135 फीट है, जो तिरुकुरल के 133 अध्यायों को दर्शाता है। इस स्टैचू का टोटल वेट 7000 टन है। कन्याकुमारी के दक्षिणी तट के पास ही उन लोगों की स्मृति में एक सुनामी मेमोरियल और पार्क बनाया गया है, जो लोग 2004 में हिंद महासागर के भूकंप और सुनामी में मारे गए थे। कन्याकुमारी मंदिर के साथ ही आपको इतने सारे मंदिर और मेमोरियल देखने का मौका मिलेगा। इस मौके को जाने ना दें। कन्याकुमारी पहुंचने के लिए यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट 89 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ से बस और टैक्सी के जरिए आप कन्याकुमारी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। साथ ही चेन्नई से रोज चलने वाली कन्याकुमारी एक्सप्रेस से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तमिलनाडु पर्यटन विभाग कन्याकुमारी के लिए सिंगल डे बस टूर की व्यवस्था भी करता है। वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से दी गई है, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को कन्याकुमारी मंदिर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानकर कैसा लगा और इनमें से सबसे ज्यादा किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।